आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों के स्वभाव के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। मनो भाइयों, स्वाति नक्षत्र अंत्यनाड़ी का नक्षत्र होता है, महिष योनि देवगण तुला राशि का नक्षत्र होता है, शूद्र वर्ण और मानव वश्य का नक्षत्र होता है। मनो भाइयों, स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायु देवता होते हैं और ये नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना जाता है। यानी जन्म के समय जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है उसके जन्म के समय राहु की महादशा चल रही होती है। बहनों भाइयों, ये नक्षत्र वर प्रदायक नक्षत्र होता है। नक्षत्र क्रम का ये पंद्रमा नक्षत्र होता है। सूर्य जब स्वाति नक्षत्र में होता है तब होने वाली वर्षा जो है वो फसल के लिए अमृत तुल्य लाभ देती है। ये स्वाति नक्षत्र विवाह का नक्षत्र भी माना जाता है। तिर्यक मुख नक्षत्र होता है, चर नक्षत्र होता है और सभी शुभ कार्यों के लिए इस नक्षत्र को लिया जाता है। यान की सवारी, वाहनों का क्रय विक्रय, मुद्रण यंत्रों का शुभारंभ आदि शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। मनो भाइयों, जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनके लिए अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। चलिए बताता हूं अब स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों के स्वभाव के बारे में। तो स्वाति नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है बहनों भाइयों, वो सच्चे मायने में अगर देखें तो बड़े मेहनत कश होते हैं, परिश्रमी होते हैं और बड़े बुद्धिमान और चतुर भी होते हैं। अपनी चतुरता के कारण, अपने बुद्धिमानी के कारण जो भी परिश्रम करते हैं उनमें अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यानी परिश्रम करते हैं और दिमाग से करते हैं, बुद्धिमानी से करते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में भी स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि राजनीति में आपकी रुचि रहती है, राजनैतिक दांवपेच आप अच्छे से समझते हैं। अपने अच्छे स्वभाव, अच्छे जनसंपर्क, अच्छे व्यवहार के दम पर आप अधिक कार्य, आपके जो भी कार्य हैं वो अधिकतर रुकते नहीं हैं। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपको पूर्ण सहयोग भी करते हैं। सदव्यवहार से समाज में एक अच्छी छवि आप बना लेते हैं। आप में आध्यात्मिकता का गुण भी होता है, दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और सदव्यवहार के प्रति आप सजग रहते हैं, परंतु स्वयं किसी दबाव में रहकर के काम करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके विचारधारा जो आपकी है वो स्वतंत्र है, महत्वाकांक्षी आप हैं। इसलिए नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में आप सफलता अपने मन मुताबिक प्राप्त कर सकते हैं। आजीविका की दृष्टिकोण से देखें तो आप सदैव ठीक स्थिति में रहते हैं। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ये आपका गुण है। शांति और इत्मीनान से आप सारे कार्य करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते और चेहरे पर मोहक मुस्कान ये आपका सौंदर्य बनती है, आपके सौंदर्य को बढ़ाती है। सामाजिक मान्यताओं में बंधे रह करके निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, इसलिए व्यर्थ की आलोचना आप कतई बर्दाश्त नहीं करते, ना किसी के काम में दखल देते हैं और ना अपने काम में किसी का दखल बर्दाश्त करते हैं। बहनों भाइयों, आपको मेरा परामर्श है कि आपको अति क्रोध से बचना चाहिए, किसी भी हालत में अपने दिमागी संतुलन को बिगड़ने ना दें। हर नए कार्य को करना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं और असंभव को संभव बनाने के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं। हर समय किसी की भी मदद करने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटते।
लेकिन अपनी स्वतंत्रता को दांव पर रख करके नहीं करते। बचपन की समस्याओं से बहुत कुछ आपने सीखा है और बहुत समझदार और प्रैक्टिकल हो गए हैं। प्रेम हो या नफरत, जो भी है स्थायी रूप से करते हैं। आर्थिक रूप से आपको सदैव जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी असावधानी आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। परिस्थितियों को नियंत्रित करना आप सीख लें, यह आपके लिए आवश्यक है। व्यापारी, खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, गवर्नमेंट जॉब, स्टेज एंकरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शिक्षक, प्रशिक्षक, न्याय विभाग, शोधकर्ता, एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए कार्य, इनमें आप सफल हो सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति के लिए पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के प्रयास आपको करने चाहिए। समाज से जुड़े पर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। समाज और परिवार के बीच जो संतुलन होना चाहिए वो आपको रखना चाहिए। मनु भाइयों, ये रहा स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।